हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द श्रेया ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेया अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लेमिंगो बुक की 6 पोएम, डेट इज़ आन जेनिफर्स टाइगर। इसकी पोएट है एड्रिन हेनरिच। अब इन्होंने इस पोएम में क्या बताया है, चलिए हम देखते हैं। द पोएम एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। मीन्स इस पोएम में एड्रिन हेनरिच जो हमारी पोएट हैं, उन्होंने बताया है कि मैरिड लाइफ में एक वुमेन कौन कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स को एक्सपीरियंस करती है। कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स कौन कौन से बर्डन को, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो हम अब इसका मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद आर पोएम। Aunt Jennifer's tiger prances across a screen, bright topaz denizens of a world of green. Means Aunt Jennifer के बनाए हुए जो tiger हैं वो prance across a screen। Prancing का मतलब यहाँ पे ये होता है कि jumping with full of confidence। तो वो prance across the screen, screen किसे बोला गया है, ये embroidery जो कर रही है उसको बोला गया है। ये embroidery करके एक्चुअली ये tiger को यहाँ पे create करती हैं अपने ivory needle से। तो वही बताया गया कि उनके tigers इस form में दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो अपने tigers को अपना ideal मानती हैं। तो बता रही हैं कि वो prance across the screen with full confidence। ठीक है, then bright topaz denizens of a world of green का मतलब क्या है। ब्राइट टोपैज एक बेसिकली एक आप कह सकते हैं जेम होता है जो कि इन्हीं के टाइगर्स के कलर का होता है। सो वो सिंबलाइज कर रहा है टाइगर्स को। एंड वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है, डेनिजेंस मतलब होता है सिटीजन्स। ये सिटीजन्स हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब कि फॉरेस्ट के सिटीजन्स हैं। और ब्राइट टोपैज से इन्हें कंपेयर किया गया है। ठीक है, देन दे डू नॉट फियर द मैन बेन एट द ट्री। उन्हें जो है लोगों से भी डर नहीं लगता जो लोग ट्री के नीचे जो है वहाँ पे हैं। ट्री के नीचे बेसिकली कौन होगा, फॉरेस्ट में हंटर्स होंगे, तो उन्हें हंटर्स से भी डर नहीं लगता, यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, देन दे पेस इन अ स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। मीन्स दे पेस इन अ स्लीक, पेस मीन्स ये अभी भी जंप करें। स्लीक मतलब बहुत स्मूथली, शिवरलिक मतलब कि बहुत ब्रेवली, एंड सर्टेनिटी मतलब कि फ्रीडम के साथ ये बहुत ही स्मूथली जो है, बहुत कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं। सर्टेनिटी मीन्स भी ये कॉन्फिडेंटली यहाँ पे जो है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ये मूव करते हैं। वैसे ही आंट जेनिफर इनको इसलिए अपना आइडल मानती हैं क्योंकि वो जो है इस तरीके से मतलब कि अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती हैं। देन मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा, एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। मींस यहाँ पे एंड जेनिफर्स की फिंगर जो है वो फ्लटर कर रही हैं मतलब काँप रही हैं थ्रू हर वूल के थ्रू, मतलब कि जब वो वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है अपने आइवरी नीडल से वूल के थ्रू, तो उनके फिंगर्स क्या है, फ्लटरिंग कर रही हैं, शिवर कर रही हैं। एंड फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल मतलब कि वो इवन आइवरी नीडल जो कि आइवरी नीडल किसे कहते हैं, जो एलिफेंट के टस्क और टूथ जिन्हें हम कह सकते हैं, उनसे जितना भी मटेरियल बनता है उसे आइवरी मटेरियल कहते हैं। तो ये आइवरी नीडल जो है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत लाइट वेटेड होती है, तो इसको भी पुल करना, इसको उठाना भी उनके लिए बहुत हैवी फील हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मीन्स ये जो मैसिव वेट है मतलब कि ये जो पूरा वेट है अंकल की वेडिंग बैंड का, वेडिंग बैंड अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स उनकी मैरिज, और वेडिंग बैंड मीन्स ये जो रिंग पड़ी है उनका, ये उस वेट के कारण जो है दबी हुई है, उस बोझ के कारण दबी हुई है। सिट्स अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड मीन्स कि यहाँ पे ये जो रिंग है ये सिंबलाइज कर रही है उनके बिटर एक्सपीरियंसेस को उनकी मैरिड लाइफ के, जिसके वजह से वो जो है लैक ऑफ फ्रीडम है उनके पास आज के टाइम में, और वो जो है कितने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, कितनी बाउंडेशंस है, और कितना फियरफुल हैं वो इस टाइम, वो दिखाया जा रहा है। कितनी वल्नरेबल सिचुएशन है उनके साथ आज, वो दिखाई जा रही है, इसलिए उनके फिंगर्स जो है फ्लटर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि आंट जेनिफर ने यहाँ पे टाइगर्स को उन्होंने अपना आइडियल इसलिए माना क्योंकि वो जो है बिल्कुल इस टाइम अपने आप को वीक समझ रही हैं, और टाइगर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग, तो वो टाइगर्स को अपना आइडियल मानती हैं। वो चाहती हैं कि मैं भी उनकी तरह बिल्कुल पीस के साथ आप कह सकते हैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली सबके सामने आऊँ, और जो है वहाँ पे मैं इनकी तरह टेरिफाइड जो अभी लाइफ ये जी रही हैं उनकी तरह ना रहें। देन व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाय।
मीन्स जब आंट की डेथ हो जाएगी, आंट जेनिफर की, हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस. मीन्स उनके जो टेरिफाइड हैंड्स थे, जो डरे हुए हाथ थे, जो कि अभी भी फ्लटर कर रहे थे इवन आइवरी निडल को पुल करने के लिए, तो वो जो टेरिफाइड हैंड्स थे विल स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस. स्टिल रिंग्ड विद, रिंग्ड विद मतलब कि अभी भी वो घिरे हुए हैं एक तरह से. रिंग्ड मीन्स हम कह सकते हैं कि वो अभी भी रिंगिंग रहेंगे, ठीक है, वो अंकल्स वेडिंग बैंड से वो अभी भी रिंग्ड हैं. और दूसरा ये मतलब है कि स्टिल रिंग्ड विद, रिंग्ड विद मतलब कि वो घिरे हुए हैं विद ऑडियंस. ऑडियंस से शी वॉज मास्टर्ड बाय, मीन्स वही बिटर एक्सपीरियंस है जिनमें वो मास्टर मास्टर थी, मतलब कि वो जितने बिटर एक्सपीरियंसेस झेलती आई थी वो अभी भी, उनकी डेथ हो गई तो भी वही एक्सपीरियंसेस उनके माइंड में रहे होंगे. द टाइगर्स इन अ पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. मीन्स जो टाइगर बना रखे हैं उन्होंने, वो जो है विल गो ऑन प्रांसिंग, मतलब कि वो अभी भी, जो भले आंट की डेथ हो गई हो बट उनके बनाए हुए जो टाइगर्स हैं, जो एम्ब्रॉयडर करके उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करके, वो आज भी प्राउडली और अनअफ्रेडली वहाँ पे प्रांसिंग कर रहे हैं. प्रांसिंग मतलब कि जंपिंग कर रहे हैं वो सब. इस तरीके से एक इमेजिनेशन है पोएट की यहाँ पे कि वो आज भी जो है वैसे ही जंप कर रहे हैं, पर पोएट जो है वो बता रही है कि आंट जेनिफर ने अपने आइडियल किसे माना, टाइगर को माना. क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. तो इसी के साथ हमारी पोएम यहाँ आज ओवर होती है. एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.